हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। मीठा खाएं, मीठा बोलें, देश के बारे में भी मीठा सोचें, लोगों की मदद करें। और आज मैं आपको स्पेशल बताने नहीं आया हूँ, सिर्फ फिर से मैं यही बोलूँगा कि मेरी बातें कुछ लोगों को बुरा लगती है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो देश के खिलाफ़ है। तो मैं उनके खिलाफ और मैं खिलाफ क्या, पूरा देश, जितने भी देश प्रेमी हैं सब उनके खिलाफ हैं। मणिशंकर अय्यर एक हमारे बीच में है, एक कांग्रेस के बहुत बड़े वाले टकपुंजी हैं। उन्होंने बोला कि किलर जो है मोदी जी, किलर हैं, सीए जो है मुसलमानों का ये कर लेगा, सिटीजनशिप ले लेंगे और पाकिस्तान में जाके गाना गा रहे हैं। तो मणिशंकर अय्यर साहब को परमानेंटली पाकिस्तान भेज ही दिया जाए, यहाँ से जो बार बार जाना आना, बेकार का खर्च, तकलीफ़, तो वो तकलीफ़ उनकी दूर हो जाएगी, वहीं रहें, वहीं पे आराम से इंडिया में रह के इंडिया के ख़िलाफ़ बोलना ये तो इंडिया ही झेल सकता है। और नो टॉलरेंस, इनटॉलरेंस, ये टॉलरेंस, वो टॉलरेंस, जो बातें ये लोग बड़े बड़े करते हैं इसको बोलते हैं इनटॉलरेंस, जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर जी, जो आप गाना गा रहे हैं ना पाकिस्तान में जाके, तो वो गाना बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई पाकिस्तानी का इतना ताकत नहीं है जो आके हिंदुस्तान के मैटर में इंटरप्ट करे। पहली बात, उनका अपने ही धंधा अभी बहुत उनके चल रहे हैं, उनमें उनको रहने दीजिए। आप यहाँ से जो जाके वहाँ गाना गा रहे हैं और मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उनको किलर कह रहे हैं, थोड़ा दिमाग रखिए। आप क्या आगे वाले को शिक्षा दे रहे हैं, आने वाले जनरेशन को, कि किसी को भी कुछ भी बोलते चलो, कभी चोर बोल दो, कभी चाय वाला बोल दो, कभी कुछ और बोल दो। वो प्राइम मिनिस्टर हैं और आप रोड वाले इंसान हैं, आराम से बात कीजिए। पहले तो रिस्पेक्ट कीजिए उस पद का, ठीक है? और अगर नहीं करना आता है तो माइक लेके कुछ भी चौड़े में बोल देना, ठीक है? वो बंद कीजिए, घर में कीजिए, घर में, चौड़े में, घर में बात कीजिए, ठीक है? जनता के बीच में आपकी आने की हिम्मत और औकात नहीं है, समझ गए? तो किसी को भी बोलना उस पद की गरिमा है, ठीक है? देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप जाके कोई और देश में कुछ भी बोल रहे हैं, ये बंद कीजिए। और फिर से मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि मुसलमानों को बेवकूफ़ ना समझें, सब पढ़े लिखे हैं और सब आपसे ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है? और एक और हमारे पूजनीय बिहार के हैं, तेज प्रताप, जो बोलते हैं कि जो सीए के खिलाफ है उसको टेररिस्ट बना दिया, आतंकवादी बना दिया जा रहा है, आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। आप फूकिए, फूकने में ध्यान दीजिए, ठीक है? देश दुनिया आपसे ना हो पाएगा, आराम से फूकिए, बोल बम बोलिए, आराम से निश्चिंत रहिए, कुछ भी बोल दीजिए, किसी को भी कुछ भी। हिंसा फैलाना और हिंसा के खिलाफ, हिंसा को लेके कुछ भी बोलना कि हिंसा हो जाए, हिंसा ही कराना चाह रहे हो ना भाई? तो तुमको क्या लगता है कि अब बिहार वो समय रहा कि हम कुछ भी ज्ञान दे देंगे तो लोग सुन लेगा? नहीं हो पाएगा भाई। अच्छा पॉलिटिक्स करो, थोड़ा थोड़ा ध्यान दे के अच्छा पॉलिटिक्स करो, थोड़ा नाम को आगे बढ़ाओ, ठीक है? वो ज़माना गया कि कुछ भी बोल दिया और लोग कुछ भी मान लिया, ठीक है? थोड़ा ध्यान दे के बात किया करो। कोई टेररिस्ट नहीं बना रहा है, ना कोई ये कर रहा है, हज़ार बार एक ही बात बोल चुका गया है कि सीए जो है नागरिकता देने का बिल है, लेने का नहीं। और इसमें तुम जो ऐड ऑन कर दिए हो कि ये हो रहा है, वो हो रहा, भैया थोड़ा दिमाग से बात किया करो, ठीक है? और मणिशंकर अय्यर जी, बताइए आपको कब परमानेंटली शिफ्ट होना, बता दीजिए, जरूर मोदी सरकार इसमें आपकी मदद कर देंगे, बेकार का आने जाने का खर्चा बच जाएगा। देश के बारे में कहीं जाके गाना गाने से पहले 100 बार सोचिए आप कितने लोगों का इमोशंस हर्ट कर रहे हैं, ठीक है?
दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई या आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी लगा, देखिए मैं दिल की बातें करता हूँ और हर एक हिंदुस्तानी का फ़र्ज होता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठेगी तो वो अपने घर के खिलाफ उठेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आपको मेरी बातें अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। नहीं भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करिए, मगर कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि आपको पसंद आई या नहीं आई और किस वजह से नहीं आई। थैंक यू। हैप्पी मकर संक्रांति। गुड नाइट। हैव अ नाइस डे।